चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नयन का तद्भव शब्द क्या है, नयन का तद्भव शब्द क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर दें आप लोग। बिल्कुल 51 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नयन हो जाएगा। अगला प्रश्न इसको रेड कर ले रहा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पत्र का तद्भव शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए, पत्र का तद्भव बताना है आपको। एक सेकंड भाई, चलिए अब सही दिख रहा है ना। 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पत्ता। क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में पत्ता कहते थे पत्र को। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 53 है, अंटी मारना का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर दो। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कम तौलना, ठीक है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही। तो इसमें से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है पूछा गया है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है छत्तीसगढ़ी, वो बिहारी भाषा की बोली नहीं है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दो है आप लोग। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी से हो जाएगा, पो धन अक बराबर पावक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर दो भाई, इसी तरीके से प्रश्न 2021 में पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपके 2022 के परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, व्यर्थ का प्रयत्न। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 57 है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। 57 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, वृंदावन लाल वर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। पथिक का पर्यायवाची पूछा गया है, तो पहले पथिक का मतलब समझना पड़ेगा, आता हो तभी आप उत्तर कर सकते हो। 58 का फिलहाल आप लोग आंसर करो। देखिए पथिक मतलब होता है सफर का साथी, ठीक है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये सभी मुसाफिर, पंथी, बटोही। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 59 है, शिष्ट का विलोम का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, शिष्ट का विलोम जो शब्द क्या हो जाएगा। फिफ्टी नाइन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, असिस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत को क्या कहते हैं। भाई कितना इजी है, तो बहुत इजी है ना, क्या हो जाएगा भाई। 60 नंबर का राइट आंसर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 का बी सही उत्तर हो जाएगा, लोरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है, अनुकूल में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए, अनुकूल शब्द में समास पहचानना है। तो 61 का क्या हो जाएगा, 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अवयी भाव समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है बताना है। तो 62 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कर्मधार समास। एक सेकंड भाई, 62 का कहाँ, 61 पे है ना, हाँ क्या हो जाएगा, 61 का क्या हो जाएगा, 61 का मैंने सी बता दिया, 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत, ठीक है, सत लगा है उपसर्ग। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 63 है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है।
तीन वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है बताना है। 63 का राइट आंसर दो भाई। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 है, काली आंधी के रचयिता कौन है। काली आंधी के रचयिता कौन है बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर, आंसर कमेंट में करते रहना भाई, वीडियो के एंड में बताना है आप सबको कितना गया सही टोटल। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहां पर, कमलेश वोहरा। सॉरी, क्या हो जाएगा यहां पर, उसने कहा था, क्या हो जाएगा? सी, चंद्रधर शर्मा उर्फ गुलेरी। 65 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मैंने गलती से सी ऊपर वाले पर लगा दिया। तो क्या हो जाएगा भाई, काली आंधी का तो मैंने पहले ही बता दिया था कमलेश्वर, इसका हो जाएगा सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, झुंड, सभा, सेना या ये सभी, इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा है। तो 66 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 67 है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सिक्सटी सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई 67 का, इंदिरा। इंदिरा जो है सरस्वती का नहीं है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर दें आप लोग। अड़सठ का क्या हो जाएगा भाई, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 68 का क्या हो जाएगा, डी, हिमांशु। हिमांशु जो होता है चंद्रमा का होता है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 69 है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है। कपटी लिखा हुआ है यहां पर, कपटी का विपरीतार्थक यानी विलोम नहीं है पूछा गया है, नहीं विलोम है पूछा गया है, यहां पर नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा भाई, विलोम कपटी का। तो 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, निष्कपट। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 70 है, उदत्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर आया है, उदत्त का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, अनुदत्त। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विवाद, विवादास्पद, विजय, पराजय, विरह, मिलन, मृदुल, कठोर, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है भाई आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ये एक दूसरे का विलोम नहीं है, बाकी एक दूसरे का विलोम है ये, ठीक है, ये एक दूसरे का पर्यायवाची है, समान रद्द देने वाला दे दिया गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 72 है, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर दें आप लोग। सेवेंटी टू का क्या हो जाएगा भाई, 72 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्वेदज कहेंगे उसको, जो पसीने से उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे, स्वेदज। अगला है देखो भाई, 73, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, चैनल पे अगर नए हो भाई, 2022 में बीएड एंट्रेंस देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर दें आप लोग। 73 का बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रहारी कहते हैं। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 74 है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर, युग का निर्माण करने वाला पूछा गया है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, युग निर्माता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है ये।
75 का उत्तर दो। चार ऑप्शन पढ़ें और बताएं कहीं का ना रहना इस किस मुहावरे का यह अर्थ है। 75 का क्या हो जाएगा, 75 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, घर का ना घाट का। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 76 है, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है। 76 का उत्तर दें आप लोग। ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, स्पष्ट कह देना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 77 का उत्तर दें आप लोग। 77 का क्या हो जाएगा भाई, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बुरी तरह हारना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78 है, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 78 का आंसर दें आप लोग। 1 उत्तर हो जाएगा, प्रतिवाद करना, गर्दन उठाना प्रतिवाद करना, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो भाई, 79 आपके सामने, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। 79 का उत्तर दें आप लोग। 79 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। अगला और अंतिम प्रश्न, ये 80 नंबर प्रश्न है, 50 से स्टार्ट किया था, टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताएं और उसके बाद टोटल 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हमें कमेंट करके नीचे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, वह पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमने किए। जितने भी छात्रों ने 25 प्लस सही किए कमेंट करके जरूर बताना, कितने भी सही गए हो, 10 सही गए हो, 15 गए हो, 5 गए हो सही, कमेंट में जरूर बताना ताकि अगले क्लास में आपका इंप्रूवमेंट मैं देख सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे GK की टेस्ट में।